हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही डिलीशियस चिकन चंगेजी की रेसिपी, जो बनाने में तो बहुत ही आसान है, साथ साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार है। इसमें इस्तेमाल होता है दूध का, दही का, क्रीम का, और थोड़ा वाइटिश साइड पे रहता है ये चिकन। तो फटाफट से शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है आधा कप दही, और इसको मैं थोड़ा सा बीट कर रही हूँ ताकि बिल्कुल स्मूद हो जाए ये। उसके बाद इसमें ऐड करूंगी मैं ये एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ साथ जा रहा है इसमें नमक। उसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये बढ़िया सा मैरिनेट बेसिक सा एक तैयार हो गया है। इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से ताकि लाल मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए दही के साथ। और इसके बाद अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं मीडियम साइज़ के चिकन पीसेस लिए हैं मैंने, आधा किलो चिकन है ये, और इन पीसेस को अच्छे से कोट कर देंगे हम इस मैरिनेट में। और उसके बाद 20 से 30 मिनट तक इसको हम करेंगे मैरिनेट, चाहे तो आप इसे रेफ्रिजरेट कर दें 20 से 30 मिनट तक, और उसके बाद हम इसे करेंगे फ्राई। तो आधा घंटा हो चुका है, और अब ये चिकन के पीसेस मैंने निकाल के सीधा गरम तेल में ऐड कर दिए हैं। 2 से 3 बड़े चम्मच तेल को गरम कराए, और उसके बाद सारा मैरिनेट ऐड कर दिया है अलॉन्ग विद द चिकन पीसेस। तो अब इन चिकन को हमें पीसेस को हमें पकाना है। तो पहले इसको इस तरीके से थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, और ये जो पानी है जब सूखने लगेगा तब आप देखेंगे इस पर बहुत ही बढ़िया सी कोटिंग आ जाती है इस मैरिनेट की। तो अभी तो चिकन बिल्कुल कच्चा है हमारा, तो इसको ढक देते हैं और इसको पकाते हैं। और टोटल चिकन को पकाने में करीब 10 मिनट लग जाएंगे आपको, 10 से 12 मिनट तक का टाइम। तो हर 3-4 मिनट बाद इसी तरीके से आप ढक्कन हटाइए और एक बार पीसेस को उलट पलट कर दीजिए। और जब आपका चिकन कम्प्लीटली गल जाए 6-7 मिनट के बाद, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, तब आप इसको हाई फ्लेम पे पकाएं ताकि जो चिकन के पीसेस हैं कम्प्लीटली जो पानी है उनमें बिल्कुल सूख जाए, और साथ साथ बहुत बढ़िया सी क्रिस्पी सी कोटिंग आ जाती है, मसाला बिल्कुल चिपक जाता है पीसेस पे इस तरीके से। तो ये मैंने टर्न कर दिया है और अब फ्लेम कर दिया है हाई, क्योंकि चिकन काफ़ी अच्छी तरीके से गल गया है। जो हल्की सी कसर रह गई है वो जब हम ग्रेवी में उसको ऐड करेंगे तब हमारा चिकन कम्प्लीटली कुक हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 95% तक चिकन कुक हो चुका है, जो थोड़ी सी हल्की कसर है वो हम ग्रेवी में जब पकाएंगे इसको तो पूरी हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि पीसेस पे कितनी बढ़िया कोटिंग आ चुकी है, एकदम मसाला कोटेड चिकन है ये। तो इसी तरीके का चिकन चाहिए हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए। तो पीसेस को रखते हैं साइड पे। ये जो बचा हुआ तेल है इसी में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब तेल और ऐड कर दिया है। और जब आप इस तरीके से तेल रीयूज़ करते हैं तो ध्यान रखें कि फ्लेम बिल्कुल लो कर दें एकदम, नहीं तो जो प्याज के या चिकन के थोड़े से रेशे हैं काले काले वो आपके तेल में दिखाई देंगे, तो वो फिर आपकी करी को देखने में बिल्कुल बेकार कर देंगे। तो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको हल्का सा पानी डाल के ब्लेंडर में सिर्फ चलाया है, और उसके बाद वो प्याज का जो पेस्ट है उसको ऐड कर दिया है गर्म तेल में, और इसको अब भून लेते हैं 1-2 मिनट तक। और उसके इमिजिएटली बाद ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 मीडियम साइज़ टमाटर लिया था, उसको भी ब्लेंडर में चला लिया है सिर्फ, और उसको भी ऐड कर दिया है, यानी कि 1 टमाटो का प्योरे और 1 चम्मच ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो सब चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर दें। और उसके बाद अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं नमक, साथ साथ 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ये ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा लिया है मैंने उसका पाउडर है, साथ साथ ये आधा चम्मच गरम मसाला, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आपने देखा है इसमें लाल मिर्च भी नहीं जाती है, ना इसमें जाती है हल्दी। तभी मैंने इस बिगनिंग में बोला था कि इसका कलर थोड़ा वाइटिश साइड पर रहता है, क्योंकि इसमें दूध का इस्तेमाल होता है, क्रीम का इस्तेमाल होता है, और लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें सिर्फ मैरिनेशन के टाइम पर होता है जब हम चिकन को करते हैं मैरिनेट, तो वो भी कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च इसमें ऐड करी है। और अब इसके अंदर मैंने ऐड करा है ये 1 टेबलस्पून तेल, और जब मैंने अच्छी तरीके से मसाले इसमें ऐड कर दिए। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा जो हम ग्रेवी बनाते हैं उसमें ऑयल ऊज़ आउट नहीं होता है जब कोई प्योरे ऐड करते हैं, तो वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि प्योरे जो बनाते हैं हम मिक्सी में चलाकर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है प्याज सारा ऑयल। तो आप जब बिल्कुल मसाले भून लें प्योरे ऐड करने के बाद, तो ऊपर से 1-2 चम्मच ऑयल ऐड करें, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप उसको ढक्कन ढक के पकाएंगे तो ऑयल बिल्कुल कम्प्लीटली ऊज आउट होने लग जाएगा। तो ये मैंने ढक्कन ढक दिया है, आपके सामने अभी ऑयल ऐड करा, और आप देखते हैं
तो दो तीन मिनट इसको मैंने तेज़ आँच पे पका लिया और ये देखिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑयल सरफेस आउट हो गया है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, बड़ी टिप है ये कि जब प्योरे किसी भी सब्ज़ी में ऐड करके बनाते हैं, यानी कि मिक्सी में चला के कुछ बनाते हैं, प्योरे ऐड करते हैं, तो ऊपर से ऑयल एक दो चम्मच ऐड करें तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमें ऊपर से हल्का सा जो ऑयल दिखना चाहिए, जो ऊज़ आउट होना चाहिए सब्ज़ी में, वो नहीं दिख रहा है। तो मैंने अब इसके अंदर ऐड करा है 1/4 कप दूध। तो मैंने यहाँ बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाले दूध का इस्तेमाल करा है, लो फ्लेम करके ऐड करा है उसको और लगातार चलाते रहें जब दूध ऐड करें तो, और ऐड करने के बाद ढक्कन ढक के 2-3 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे पका लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, दूध अच्छे से पकने लग गया है ग्रेवी के साथ और बिल्कुल इसका कलर हो गया है क्रीमिश। तो ये बिल्कुल क्रीम कलर की इसकी ग्रेवी हो गई है। मिक्स कर देते हैं इसको एक बार अच्छी तरीके से। और इसको अभी मैं लगातार 2-3 मिनट तक और पका रही हूँ ताकि जो हमने दूध ऐड करा है वो अच्छे से जब पकेगा मसालों के साथ और तेल ऊपर दिखाई देगा तभी दूध का जो असली मज़ा है इस ग्रेवी में आ पाता है। तो अच्छे से पका लिया, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक भी हो गया है। तो इस टाइम पे अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें चिकन के पीसेस। तो जो लाल मिर्च हमने इस्तेमाल करी है चिकन के पीसेस पे कोट करी है, वो अब जब हम ऐड कर रहे हैं चिकन तो बहुत ही बढ़िया सा कलर ऐड कर देगी इस ग्रेवी में। हालांकि रहता ये हल्का लाइट क्रीमिश साइड पे ही है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लाल मिर्च कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसमें ज़्यादातर हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मैं प्रेफर करती हूँ बिल्कुल एंड में ऐड करना। तो अब ढक्कन ढक दिया है चिकन पीसेस ऐड करके मिक्स करके, और अगेन इसको हम 2-3 मिनट तक पका रहे हैं चिकन पीसेस के साथ ताकि सारे मसाले आपस में जज्ब हो जाए। और ये देखिए आप कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है और ऊपर ऑयल बिल्कुल सरफेस आउट हो चुका है। तो मैं मिक्स करके और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कि इसका कितना अच्छा कलर आया है। साथ साथ चिकन के पीसेस भी मसालेदार रहते हैं इसमें क्योंकि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको मैरिनेट करा है। और लास्ट में लास्ट की कुछ चीज़ें हैं ये जो हम ऐड करते हैं हमेशा की तरह, तो ये है कसूरी मेथी, इसको ऐड करते हैं। साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें जाता है जो कि एक तरह से आप सोच सकते हैं इस रेसिपी का बूस्ट है, वो है चाट मसाला। तो इसमें हल्का सा चाट मसाला ऐड करा जाता है जो कि बाकी मसालों को भी एक फ्लेवरिंग एजेंट की तरह ऐड करता है, जो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर ऐड कर देता है इस रेसिपी में स्पेशली। तो ये आधा चम्मच ऐड करा है चाट मसाला इसमें ऊपर से, मिक्स करें इसको। और साथ साथ अब इसमें जाएगी कुकिंग क्रीम। तो मैंने 1/4 कप कुकिंग क्रीम इसमें ऐड करी है, आप अगर कम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अब मिक्स कर दिया इन सब चीज़ों को और ये बिल्कुल रेडी है, बस इसको थोड़ा सा ढककर हम पकाएंगे 2 मिनट तक और उसके बाद ये बनकर तैयार है आपका चंगेज़ी चिकन, जो कि आई एम श्योर आप देख कर समझ पा रहे होंगे कि कितना लाजवाब बना है। बहुत ही बढ़िया बनता है इस तरीके से जब हम चिकन बनाते हैं, बिल्कुल अलग तरीके से बनता है क्योंकि दूध दही का कभी चिकन में इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा साथ में दूध दही और क्रीम का, और ये सब कॉम्बिनेशन जो है यही इसको बनाते हैं बहुत ही डिलीशियस। और बहुत ही अलग टाइप का कलर आता है इस ग्रेवी का, तो देखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, किसी भी टेबल की शान बढ़ाने वाली रेसिपी हो जाती है ये। तो लास्ट में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 ये हरी मिर्चें, आप चाहें तो ये हरी मिर्चें पहले भी ऐड कर सकते हैं और लाल मिर्च कम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे और भी क्रीम कलर रहता है इस ग्रेवी का, जो कि इसको देखने में बहुत ही डिफरेंट बनाता है। लेकिन मैं हरी मिर्चें एंड में प्रेफर करती हूँ ऐड करना क्योंकि ये अपना कलर फिर रिटेन करती हैं हरी मिर्चें, नहीं तो ये थोड़ा सा कलर इनका जो है फेड ऑफ हो जाता है, जो कि मुझे पर्सनली ग्रेवी में नहीं पसंद है। तो आपको मैंने ऑप्शन बता दिया, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं और लाल मिर्च कम भी कर सकते हैं आप चाहें तो, आपके नीड और आप जैसा पसंद करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ढककर 2 मिनट पका लिया है, फ्लेम स्विच ऑफ करते हैं, बिल्कुल रेडी है, प्लेट आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो आप इन्जॉय कर सकते हैं ये चिकन चंगेज़ी, चाहे तो आप इसको पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत ही बढ़िया लगता है किसी भी टाइप की जो हमारी खमीरी रोटी होती है या मोटी रोटी होती है या नान बोल सकते हैं आप, नान के साथ तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। तो ट्राई कीजिए ये रेसिपी, आप एक बार इस रेसिपी को बनाएंगे तो आप मुझसे श्योरिटी ले लीजिए कि आप बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। और ये एक ऐसी रेसिपी है कि जब आपके घर में हो कोई गेट टुगेदर, फैमिली कोई गैदरिंग हो, तो डेफिनेटली ये रेसिपी आपकी टॉप लिस्ट हिट हो जाएगी क्योंकि ये देखने में भी बहुत ही अलग रेसिपी है, साथ साथ खाने में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। और टेबल पे सर्व करी हुई आप देख सकते हैं, इस टाइम मैंने सर्व करा है इसको और क्या लाजवाब ये लग रही है, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में सर्व करी गई डिश हो।
तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ट्राई करने लायक है। डेफिनेटली घर में बनाइए या आप इसको गैदरिंग में सर्व कीजिए, कभी भी बनाइए, आप हमेशा जब भी इसको बनाएंगे आप इसको बहुत इन्जॉय करेंगे। तो ये है चिकन चंगेज़ी, आई ट्राइड टू मेक इट सिंपल एंड ईजी कि बहुत ही आसानी से आपको ये लगे कि बनाना इसको बहुत ही आसान है, और बनाएंगे आप इसको तो खुद ही जान जाएंगे कि क्या है इसका टेस्ट। और दिखाया मैंने आपको क्लोज़अप इसीलिए है ताकि आप जान सकें कि कितनी बढ़िया लगती है देखने में। तो ट्राई करिए, अगर आप इसको बनाते हैं तो ज़रूर से लिखकर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। और साथ साथ अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब का बटन ठीक इस वीडियो के नीचे है और आई एम श्योर आप उसको ज़रूर से प्रेस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।